नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। तो मेरा नाम है अमजद और आज मैं आप लोगों को जो मेरे पीछे थ्रेसर देख रहे हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और इनकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या थ्रेसरें हैं और हमसे जुड़ेंगे जो ये थ्रेसर बनवा रहे हैं यहाँ पे किसान एग्रो इंजीनियरिंग वर्क्स में, वो हमसे जुड़ेंगे किसान भाई जो जिनकी ये मशीनें हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए मिलते हैं जो यहाँ किसान आए हैं मशीनें बनवाने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है एकनाथ आर्य। एकनाथ आर्य जी, आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए हैं, तो आप देख रहे हैं किसान भाई देख रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा, आप यहाँ पे मशीन बनवाने के लिए आए, आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे मशीनें बनवाने के लिए आए? तो इनकी जो मशीन की टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी लगी, फिनिशिंग है जी, ये सब जो बहुत बढ़िया बनाते हैं। आपने कैसे संपर्क किया था इनसे? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से, तो इनको आप जानते हैं? नहीं, अभी जान। अभी जानते हैं, अभी जान पहचान हो ना। तो कौन से YouTube पे देखा था आपने? फार्मिंग जोन में। फार्मिंग जोन में, तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं फार्मिंग जोन में इन्होंने देखा था और इन्होंने फिर इनसे बात की आरिफ भाई से और उसके बाद में ये यहाँ पे आए हैं। तो महाराष्ट्र कम से भी कम नहीं तो यहाँ से 1100-1200 किलोमीटर होगा सर? 1250 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर है। तो इतनी दूर से जो किसान आता है लेने के लिए वो बढ़िया क्वालिटी ही देखता है कि हमें क्वालिटी बढ़िया मिले। तो आपको इनका व्यवहार कैसा लगा सर? व्यवहार तो अच्छा था। व्यवहार अच्छा है इनका, बढ़िया है। कितना टाइम हो गया आपको मशीन बनवाने में? कितना टाइम? देखो 7-8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए, तो मशीन बन के तैयार होने वाली है? हाँ, कल हो जाएगी। कल हो जाएगी, तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, मशीनें बहुत जल्दी बना देते हैं। आरिफ भाई की बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है, आरिफ भाई आप बहुत जल्दी बना देते हैं मशीनें यार। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा? कोई रहने खाने की कोई परेशानी आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे पूरी सुविधा आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको रहने खाने की पूरी सुविधा आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं ये जो मशीनें हैं ये किसान भाइयों के लिए हैं ये मशीनें, और इन्होंने ऑर्डर पर बनवाई है मशीन। आपने कौन सी मशीन बनवाई है? ये वाली, ये वाली मशीन जो बन रही है अभी, तो आप देख रहे हैं इनकी ये मशीन है जो बन रही है अभी और इन्होंने ऑर्डर पे बनवाई है। तो और भी आपके साथ में आए हैं किसान भाई? हाँ, मेरे ससुर जी हैं। आपके ससुर जी हैं जो आए हैं साथ में? तो इनके ससुर जी हैं जो साथ में आए हैं और काफ़ी किसान हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने मशीनों का ऑर्डर दिया है, तो उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हैं और आपने, सर आप आइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना क्या नाम है? हरिभाव राठौड़। हरिभाव राठौड़, तो राठौड़ जी आप ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, तो आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए? मशीनें तो काफ़ी होती हैं, काफ़ी रामगढ़ में बना रहे हैं। देखा था मशीन अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी लगी आपको? तो आपने किस चीज़ पे देखा था क्वालिटी? यूट्यूब पे देखा था। तो आपने यूट्यूब पे कौन से चैनल पे देखा था? क्या चैनल का? अच्छा अच्छा, नाम याद नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे संपर्क किया इनसे, आरिफ भाई से? आरिफ भाई से। तो इनकी टेक्नोलॉजी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। फिनिशिंग कैसी करते हैं मशीनों की? बहुत अच्छी, अच्छी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़िया लगाते हैं। तो ये जो मशीनें हैं, आपको कितना टाइम हो गया आए हुए? आठ दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए आपको? तो मशीनें अभी तैयार होने वाली है आपकी? हो जाएगी तैयार? तो आप देख रहे किसान भाइयों ये भी महाराष्ट्र से आए हैं, 1100-1200 किलोमीटर दूर से ये चल के आए हैं और आप जानते हैं कि आप इतनी दूर से आते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं और यहाँ पे आपको पूरी सुविधा आपको मिलेगी। आपको यहाँ रहने खाने की कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, कोई दिक्कत किसी तरीके की? नहीं नहीं, आरिफ भाई पूरा ख्याल रखते हैं पूरी तरीके से? पूरा तरीके से। तो अगर कोई किसान भाई लेना चाहता हो तो आप क्या सजेशन करेंगे उनको? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहेंगे उनको कि लेना चाहिए आरिफ भाई से मशीन? बनवानी चाहिए, बनवानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, एक किसान ही है जो किसान का ट्रस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है। हमारा विश्वास मत कीजिएगा, आप इनका विश्वास कीजिएगा। आपको किसान एग्रो इंजीनियरिंग वर्क्स में आपको
यहाँ पे मशीनें बिल्कुल वेल फिनिशिंग मशीनें आपको मिलेंगी और टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी। जो मनोहरपुरा टेक्नोलॉजी होती है वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई जाती है। जो आपको हेड मिलेगा वो मनोहरपुरा का ही आपको हेड मिलेगा। सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप लगाते हैं मशीनों के अंदर, गेज वगैरह हो, चद्दर जो हो, हैवी चद्दर ये लगाते हैं, चाहे वो चेचिस के मामले में हो, चेचिस ये बिजाक का चेचिस लगाते हैं, चाहे वो व्हील हो, 220 केजी की व्हील कोई नहीं लगाता है। आप देख रहे हैं ये पीछे की साइड को जो मशीन है इसमें 220 केजी की व्हील लगा हुआ है। इतनी हैवी मशीनें कोई नहीं बनाता है, आप ये देख सकते हैं। तो ये मशीन आपकी है सर? हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मांगीलाल जी। ये मांगीलाल जी है। मांगीलाल जी आप कहाँ से आए हैं? हम पेटला। पेटला एमपी से? तो ये एमपी से आए हैं, पेटला से। आपकी मशीन ये वाली मशीन है? तो ये इनकी मशीन बन रही है। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? तो कल ही आए हैं। कल आए हैं आप? आपने ऑर्डर पहले दे दिया था? नहीं, कल ही दे दिया था। ऑर्डर पहले ही दे दिया था आपने? पहले ही ऑर्डर दे दिया था। तो आप भी अगर किसान भाइयों, अगर ऑर्डर आप पहले देना चाहते हैं तो आपको साइनिंग अमाउंट जो होता है, जैसे कि कुछ पैसा होता है, वो डालना होता है। आप पैसा डाल दीजिए, आपकी मशीन रेडी होने लगेगी। आपको आना है, आप यहाँ से लेके जाइए। अगर आप यहाँ से आप वैसे नहीं लेके जाना चाहते तो आपको मशीन भिजवा दी जाएगी आपके एड्रेस पे। आप एड्रेस बता दीजिएगा। तो ये जो मशीनें हैं आप यहाँ पे आए हैं बनवाने के लिए, तो आरिफ भाई का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। इनकी जो मशीनों की फिनिशिंग वगैरह है वो भी बहुत बढ़िया है। तो आप देख रहे हैं इतनी दूर से ये किसान भाई चल के आए हैं, तो ये कुछ तो खासियत इनको लगी होगी किसान एग्रो इंजीनियरिंग वर्क में, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चल के आए। तो आपने कैसे संपर्क किया था इनसे? यूट्यूब से संपर्क किया था। तो ये इन्होंने भी यूट्यूब से संपर्क किया था। आरिफ भाई काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे, और इनकी जो मशीनें हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं। इनका ब्रांड दूर दूर तक जाता है, एमपी, महाराष्ट्र और हरियाणा, राजस्थान, सब जगह इनकी डिलीवरी है। कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपकी मशीन तैयार होने के बाद आप लेके जाएंगे इसको? तो आप बाई ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे या ट्रैक्टर लेके आए हैं? आपको गाड़ी लेके आए? गाड़ी लेके आए हैं, तो गाड़ी में रख के लेके जाएंगे। तो गाड़ी वाले कौन है? ये इससे और मिले एक बार। आप आइए भाई साहब जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी अपना? नवाब खान सर। नवाब खान जी। नवाब खान जी आप कौन सा गाँव है आपका? ये 6 किलोमीटर अपना गाँव है। 6 किलोमीटर है। तो आप ये बताइए यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा मशीनों के बारे में, जिसकी वजह से आप किसान एग्रो में आपने मशीनें बनवाने का ऑर्डर दिया? मशीन यहाँ पर बहुत बढ़िया बनती है मशीन जी। इसका एक व्यवहार बहुत, इधर देखिए, इसका व्यवहार बहुत बढ़िया है। आरिफ जी का जी मशीन एक नंबर चलती है। बढ़िया, आप दो मशीन बनवाए अपन यहाँ पर जी, एक नंबर मशीन चलती है। माल भी बढ़िया लगता है इसमें जी, और इसका पहली बात इसका व्यवहार एक नंबर है जी। तो आपकी जो मशीन है वो डबल फैन में है, थ्री फैन में है? डबल फैन में है। तो आपकी कितने दिन पहले ऑर्डर दिया था आपने? 6-7 दिन पहले दिया, और बन के तैयार हो गई। तो आप देख रहे हैं किसान भाई, उनकी प्रोसेसिंग बहुत ज़बरदस्त है। इतना टाइम नहीं लगाते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। तो आपने 6 दिन के अंदर मशीन बन के तैयार हो गई है, तो इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। अरे एक नंबर है भाई, एक नंबर व्यवहार है, व्यवहार की मत पूछो। तो यहाँ के ये लोकल किसान हैं, जिनका ओपिनियन, कितने बीघा जमीन है अपने पास में? 10-12 बीघा। 10-12 बीघा जमीन है। ट्रैक्टर कौन सा आपके पास? फार्म ट्रैक 60 यहाँ पे मशहूर है अलवर के अंदर, फार्म ट्रैक 60 जो कि किसानों की शान है शायद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी ओपिनियन रखी। तो ये थे किसान जिनकी आपने रिव्यू देखा होगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको मशीन कहाँ बनवानी चाहिए। और ये जो किसान हैं जितने भी, उन लोगों की आपको राय भी मिल गई होगी। तो आपको ऑर्डर देना है तो आप किसान एग्रो इंजीनियरिंग वर्क्स में आप ऑर्डर दे सकते हैं, आरिफ भाई जी से संपर्क कर सकते हैं, इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।